हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पाठ्यड मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 के बारे में। ये वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जिनका पेपर 8 स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी है। आज के वीडियो में स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन एंड सो डेट केपलर्स लॉज कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूबलाइट, फाइंड द कंडीशन फॉर ट्यूबलाइट टू लास्ट ऑल नाइट। ये क्वेश्चन भी 2017 में आया था, 2019 में भी आया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। 2021 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्टेब्लिश सिम्पसन्स हाइपोथेसिस। ये क्वेश्चन भी 17 में 19 में आया था। मिथिला यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस पिछले क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करता है। आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, जो क्वेश्चन 2017 में पूछा था वही क्वेश्चन 2019 में और 2021 के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन सब रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन सबको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल प्रूफ डेट फार्मूला। फार्मूला जो है वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है, साइन ए बाई टू इक्वल टू रूट अंडर, ये रूट जो है ये पूरे पे है, रूट अंडर साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी बाय साइन बी इंटू साइन सी। ये जो है आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, 2017 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल प्रूफ डेट फार्मूला। तो यहाँ पे जो है कॉस के बारे में कह रहा है प्रूफ करने के लिए, कॉस ए बाय टू इक्वल टू रूट अंडर साइन एस इंटू साइन एस माइनस ए बाय साइन बी इंटू साइन सी। यहाँ पर भी जो ये रूट अंडर जो है ये पूरे पे है, तो एग्जाम में ये कॉस या साइन दोनों में से एक तो कन्फर्म है कि रहेगा ही, क्या पता दोनों पूछ दे, इसलिए आप ये दोनों को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल प्रूफ डेट। यहाँ पर भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है, साइन ए माइनस बी बाय टू बाय कॉस सी बाय टू इक्वल टू साइन छोटका ए माइनस बी बाय टू बाय साइन सी बाय टू। ये जो है आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये भी 2017 और 19 में पूछा गया था, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ स्फेरिकल ट्राइंगल प्रूफ डेट टेन स्क्वायर ए बाय टू इक्वल टू टेन सी प्लस बी बाय टू इंटू टेन सी माइनस बी बाई टू। ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, ये भी 17 और 19 में पूछा गया था, तो 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर ही लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो है रेखा या मनोरमा पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर में जो है मिल जाएगा, या अगर आप किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर लिए हैं तो उस गेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गेस्ट पेपर से आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूँ, तो टेलीग्राम पर भी मैं कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूँ। आठवां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए माइनस बी बाय साइन ए प्लस बी इक्वल टू टेन कैपिटल ए टेन ए प्लस बी बाई टू इंटू टेन ए माइनस बी बाई टू। ये आपको जो है प्रूफ करने के लिए कहेगा, 17 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन सनराइज एंड सनसेट। ये क्वेश्चन भी पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, 17 में भी 19 में भी, तो हो सकता है कि 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर ही लीजिएगा। दसवां क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्ट ऑफ एबरेशन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ स्टार। ये क्वेश्चन भी 17-19 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से तैयारी कर ही लीजिएगा। 2021 के एग्जाम में क्या पता है कि ये क्वेश्चन भी पूछ दे। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव डेट टेन वी बाय टू इक्वल टू रूट अंडर, ये जो रूट जो है ये यहाँ तक है, रूट अंडर वन प्लस ई बाय वन माइनस ई।
इंटू टेन ई बाई टू, ये आपको जो है प्रूफ करने के लिए कह देगा। 17 और 19 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर ही लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ अ स्फेरिकल ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस एंड साइंस ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन भी 17 और 19 में पूछा गया था, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पिछले वाले वीडियो में जीके जीएस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन रेखा या मनोरमा पब्लिकेशन या आप किसी भी पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर लिए हैं तो उस गेस्ट पेपर में ये सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप गेस्ट पेपर से बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।